एक्चुअल जिन लोगों की ये कहानी है मैं उन्हें जानना चाहती हूँ। मैं गई, मैं मिली, उनके घर भी गई, बहुत कुछ देखा, बहुत तकलीफ हुई। मी बीइंग अ सिंगल मदर फॉर 10-12 इयर्स इज अ डिफरेंट थिंग, दैट इज माय लाइफ। मैं बिल्कुल वो क्यों विक्टिम कार्ड प्ले करूँ, बिकॉज आई बीइंग अ सिंगल मदर तो मैं ये वाला शो लूँगी क्योंकि माँ बेटी का, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। बाकी तो हम एक्टर हैं, हम सब कुछ प्ले कर देंगे जी। हम बेचारी भी प्ले कर देंगे, हम चंडी भी प्ले कर देंगे। पहले बहुत होता था, मैं इफेक्ट होती थी, यू नो, अब नहीं, क्योंकि वो लोग आके मेरी बेटी की फीस नहीं भर रहे हैं, यू नो, वो लोग आके मेरे बिल्स नहीं भर रहे हैं, मेरा घर नहीं चला रहे हैं। हाँ मैं ऐसी हूँ एंड इट्स टू लेट टू चेंज, मैं चेंज नहीं होने वाली हूँ। राइट नाउ मैं जिनके साथ बैठा हूँ, आई थिंक वी कैन सेफली कॉल हर टीवी रॉयल्टी एंड I'm triply excited because I'm not just sitting with one Kamya Punjabi. I have two, I have three. So three Kamya Punjabis with me, and I'm very excited as she joins me for a conversation only on Bollywood Bubble. So firstly, loving the look in Neerja. Thank you. मैं बोल ही रहा था कि मतलब एक aura निकल के आ रहा है पूरा, and it suits you so much. एक power, एक strength निकल के आ रही है. इससे पहले शक्ति था and now ये. आपने दोनों time मतलब colors के साथ ऐसे सब्जेक्ट्स चुने हैं जो टबू माने जाते हैं, जिसके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते, आपने उन सब्जेक्ट्स को आवाज़ दी है, सो एक सेंस ऑफ प्राइड आता है अंदर से व्हेन यू आर एसोसिएटेड विद सच स्टोरी। एब्सोल्युटली, आई एम सो ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ कलर्स लेगेसी ऑफ डूइंग सच काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स। बहुत अच्छा फील होता है एंड एज यू सेड अ सेंस ऑफ प्राइड, एब्सोल्युटली। और इन सबके ऊपर है चैनल का मुझ पर जो भरोसा है, जो विश्वास है कि ये तो कामयाब ही करेगी, यू नो, वो चीज़ मुझे इतना पुश करती है टू डू बेटर देन बिफोर, कि अच्छा करते रहो करते रहो करते रहो, क्योंकि इनकी उम्मीद है मुझे, मुझे जोश देती है, यू नो, अच्छा काम करने के लिए। सो यस, जैसे आपने कहा, बहुत अच्छा फील होता है जी। एंड जैसे ये कहानी एक माँ बेटी की है, एंड आई फील लाइक एक यूनिवर्सल चीज़ है, कोई भी बैकग्राउंड हो, कुछ भी सिचुएशन हो, एक माँ बेटी का रिलेशन विल ऑलवेज बी द सेम, एक माँ के स्ट्रगल्स विल ऑलवेज बी द सेम। जैसे आपने प्रेस कॉन में भी बोला कि यू हैव ऑल्सो बीन अ सिंगल मदर, सो वो फेमिलियरिटी वॉज ऑल्सो वन ऑफ द पुशिंग पॉइंट टू से येस टू दिस? नो, आई डोंट गेट इन टू दैट। मी बींग अ सिंगल मदर फॉर 10-12 ईयर्स इज अ डिफरेंट थिंग, दैट इज माई लाइफ। मेरे शो से उसका कोई लेना देना नहीं है, द काइंड ऑफ वर्क आई चूज उससे कोई लेना देना नहीं, वो अलग है। मैं बिल्कुल वो क्यों विक्टिम कार्ड प्ले करूँ, बिकॉज आई बीइंग अ सिंगल मदर तो मैं ये वाला शो लूँगी क्योंकि माँ बेटी का, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। कहानी क्या है और उस कहानी में मेरा कितना योगदान है, कितना रहेगा, मेरे लिए ये मैटर करता है। बाकी तो हम एक्टर हैं, हम सब कुछ प्ले कर देंगे जी। हम बेचारी भी प्ले कर देंगे, हम चंडी भी प्ले कर देंगे, उससे क्या है, हम आर्टिस्ट हैं, हम एक्टर हैं, वो तो हम प्ले करेंगे। ये मेरी पर्सनल लाइफ से इंस्पायर होके या वो चीज़ों को दिमाग में रख के मैं अपना काम चुनूँ, ऐसा मैं नहीं करती। सोनागाची में जो औरतें हैं उनका जो स्ट्रगल है, यस डेफिनेटली एक माँ का स्ट्रगल दिखा रहे हैं, एक बच्ची का स्ट्रगल दिखा रहे हैं, उसमें एक दुधुन जैसा भी डेफिनेटली वहाँ पर होगा ऐसा कोई। सो हम वो उनकी जर्नी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं ये दिखाना चाहेंगे कि क्या हो सकता है, क्या समाज एक्सेप्ट करेगा, कैसा उनका नज़रिया होता है जो बदलना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, नॉट दैट कि इट्स अ मदर डॉटर कहानी, नो नो नो, इट्स अ कहानी ऑफ सोनागाची जी। And during working on the character, did you ever kind of spoke to people who belong to places like these and kind of do some research? Absolutely. On that? Absolutely. You know, I feel it is my responsibility if something is given to me, main uski jad tak jaun, apna homework theek se karun before I get on floor. Mujhe jo main play kar rahi hu mujhe pata hona chahiye ji ki wo kaise hai, wo unki life kya hai ji, उनका दुख दर्द क्या है, उनकी मजबूरियाँ क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनकी मजबूरियाँ क्या है, वो कितना हेल्पलेस फील करती है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। नॉट दैट कि अगर मैं प्ले कर रही हूँ किरदार तो ही मैं पता करूँगी, नहीं, मैं इस कहानी का हिस्सा हूँ, मैं शो का हिस्सा हूँ। एक्चुअल जिन लोगों की ये कहानी है मैं उन्हें जानना चाहती हूँ। मैं गई,
मैं मिली, उनके घर भी गई, बहुत कुछ देखा, बहुत तकलीफ हुई. तो ये सारी चीज़ें मैंने की है. तो मेरा किरदार शायद उनसे इंस्पायर ना हो, मेरा किरदार शायद उनकी लाइफ से अलग है, लेकिन मैं फिर भी गई. मुझे जाना था, मुझे देखना था, मुझे पता करना था कि उनके घर में कितना खाना है, कितनी रोशनी है, कितने कपड़े हैं इनके पास. एंड ज़्यादा नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी कि वी ऑल शुड बी वेरी ग्रेटफुल कि हमें ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है. तो वो रोना, वो क्रिप करना बंद कर दो, बंद कर दो, एक्सेप्ट करो उन्हें, बांटो उनके साथ जी. बांटो, यू नो, उन्हें भी जीने का हक है, वो भी इंसान है. कोई शौक से नहीं जाता जी इस काम में, मजबूरी है. और सोचो कितनी बड़ी होगी. बिल्कुल. एंड मतलब इन लोगों को बहुत जजमेंट फेस करना पड़ता है सोसाइटी से. एंड शो आल्सो टॉक्स अबाउट दैट. जैसे मतलब विभा जी का जो डायलॉग है कि ऐसे लोगों को तो देखने वाली है, वही चीज. सो जजमेंट बहुत तरीके से आती है. आपने अपनी जिंदगी में भी बहुत जजमेंट्स देखे हैं, फिर चाहे आपके ओपिनियंस के लिए, आपकी सिचुएशंस के लिए. आप कैसे डील करती हैं जब जजमेंट्स आते हैं? डू यू फील लो बिकॉज ऑफ दैट, या फिर यू जस्ट फेस? पहले होता था, पहले बहुत होता था. मैं इफेक्ट होती थी, किसी ने बकवास ट्वीट कर दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, तो पहले होता था. अब मैं बिल्कुल दिधुन बन चुकी हूँ. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. आई बिकम सो स्ट्रांग कि अब बिल्कुल ऐसा लगता है कि हैं अच्छा किसी ने ये लिखा, लिखने दो, यू नो. अब नहीं, क्योंकि वो लोग आके मेरी बेटी की फीस नहीं भर रहे हैं, यू नो. वो लोग आके मेरे बिल्स नहीं भर रहे हैं, मेरा घर नहीं चला रहे हैं. वो लोग मेरी तकलीफ में मेरे साथ नहीं थे, तो वो बोल रहे हैं, बोलने दो. मुझे अब फर्क नहीं पड़ता, पहले बहुत पड़ता था. आई क्रॉस्ड ऑल दैट स्टेज. एंड लाइक जैसे आपका वो स्ट्रॉन्ग एक तरीके से मतलब ऑनेस्ट नेचर है, वो आप अपनी बेटी में भी इनकल्केट होता देखती हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल देखती हूँ. और मैं उसको ये कहती हूँ कि तू तो मम्मा से भी स्ट्रांग है. मेरी माँ मुझसे हमेशा ये कहती थी, तू तो बहुत स्ट्रांग है. वो लाइन छप चुकी है मेरे साथ, यू नो. मैं वो सुन सुन के बड़ी हुई हूँ. तो मैं अपनी बेटी को ये कहती हूँ, तू तो मम्मा से भी स्ट्रांग है. सो उसमें मुझे नज़र आती है, बहुत इंडिपेंडेंट है, बहुत क्लियर है लाइफ में, यू नो. कि अगर ब्लैक पहनना है तो ब्लैक ही पहनना है, यू नो. हम कभी कभी कंफ्यूज होते हैं यार, आज ये पहना जाए या वो पहना. वो हर एक चीज़ में शी इज़ एब्सोल्युटली क्लियर, विच आई रियली लव. एंड लास्टली आई वॉन्ट टू रैप बाई आस्किंग दैट अ फ्रेंड ऑफ माइन जस्ट टोल्ड यू दैट यू हैव अ पर्सनैलिटी जो बहुत टाइम पहले तक लोग सोचते थे कि वी शुडंट बी लाइक दैट. आज उस चीज़ को रिस्पेक्ट करते हैं. सो वैन यू सी पीपल टूडे रिस्पेक्टिंग दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी एंड यू हैव ऑलवेज बीन दैट वे, डू यू फील अ लिटिल सेंस ऑफ वैलिडेशन और मे बी समवेयर अ सेंस ऑफ कम्फर्ट एंड प्राइड की मतलब मैं हमेशा से ऐसी रही हूँ? आज लोगों को वो पता चलता है, पर मैं हमेशा से ऐसी रही. यू नो, आज भी लोग बहुत डिप्लोमेट होके बात करते हैं, आज भी खुल के नहीं आते हैं, वो नहीं बोलते हैं बहुत सारी चीज़ों के. तो छोड़ो यार, चुप रहो, ट्रोल करेंगे लोग, या कुछ अलग हो जाएगा, बकवास हो जाएगी, यू नो. बहुत सारी चीज़ें लोग आज भी डरते हैं. बट हाँ, मैं ऐसी हूँ एंड इट्स टू लेट टू चेंज. और मैं चेंज नहीं होने वाली हूँ. तो मुझे नहीं पता लोग इसे किस नज़र से देखते हैं, रिस्पेक्ट आई नहीं आई, यू नो. मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, हम तो ऐसे ही हैं और ऐसे ही रहेंगे. बट आई वुड लाइक टू सी, यू नो, ये बहुत सारे लोगों में मैं ये देखना चाहूँगी. मैं देखना चाहूँगी कि वो जो डिप्लोमेट होके जो जवाब देते हैं जी. वो मैं चाहूँगी कि बदल जाए, यू नो. लोग दिल खोल के बात कर सके, बोल सके, कभी सच्चाई के लिए आवाज़ उठा सके, जहाँ ज़रूरत है वहाँ आगे आ सके, यू नो. नॉट दैट कि हमें लफड़े में नहीं पड़ना, वो चीज़ें चेंज हो जाए. तो एंड आपको कभी चेंज नहीं होना है, मैं वैसे ही बोला. हमें आपको ऐसे ही बोला, टू लेट टू चेंज नाउ. एंड आई फील लाइक दिस फ्यू मिनट्स आर वेरी लेस टू हैव अ कन्वर्सेशन विद यू. बट आज के लिए हम करेंगे यार, बट आई होप आई गेट टू स्पीक टू यू सून अगेन. Absolutely. And we'll have a lengthy conversation because yes. I love talking to you. हम इससे पहले भी बहुत लंबी बात कर चुके हैं and I just hope next time will be all the more lengthier. But thank you so much and wish you all the best for Neerja. Thank you. Pray for Neerja. बिल्कुल. Thank you. Hope you had a good time. Thank you so much.